तो जब परफ्यूम्स की बात होती है ना, तो दुबई को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। देयर परफ्यूम्स आर लिटरली वर्ल्ड फेमस, और इनकी फ्रेग्रेंस ऐसी है कि कोई कॉपी करना तो दूर, वैसी फ्रेग्रेंस क्रिएट ही नहीं कर पाता है। सो आई एम एट द स्टॉल दैट इज वेरी फेमस फॉर इट्स परफ्यूम्स। आपको देखने को मिल सकता है ढेर सारी यहाँ पर जो है वैरायटी है, फ्रॉम दिस वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट बॉटल्स विच हैव नेम्ड फ्रेंच। ये एक्वा फ्रेग्रेंस है जो मेरे हाथ में है। सर प्लीज मुझे इस फ्रेग्रेंस की थोड़ी सी आप क्वालिटीज बताइए, क्या फ्रेग्रेंस है इसमें? फ्रेश एक्वा नोट्स है, फ्रेश सिट्रस है इसमें, इसमें लेमनी है, आपको सी वाटर का खुशबू आएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मैं बीच पे हूँ। यस एग्जैक्टली, और मे बी यू नो आई एम लिटरली बाय सम रियली गुड रेस्टोरेंट, आई एम हैविंग अ गुड बीची मॉकटेल, सो दैट इज द फ्रेग्रेंस। बहुत ही अच्छी है। और मुझे बताइए आपकी कौन सी बेस्ट सेलिंग जो है? बेस्ट सेलिंग हमारे पास है जो हमारा व्हाइट ऊद है, तुर्की का। अच्छा ऊद? हाँ ऊद में इसका एकदम यूनिक क्वालिटी है, ये देखिए। बस ये भी आपको अच्छा लगेगा, इसमें वुडी है, थोड़ा पाउडरी बेस, ये थोड़ा सा मुझको स्ट्रांग लगा, स्ट्रांग लगा, थोड़ा पाउडरी बेस भी आएगा बॉडी। हाँ जी हाँ जी, सो दैट क्रीमी यू नो कोकोआ बटर वाला इसके अंदर मुझको फ्रेग्रेंस आया, व्हिच इज वेरी नाइस। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग है कि मेरा पूरा जो हाथ है ना अभी पूरा फील कर रहा है कि फ्रेग्रेंस है। इसके अलावा आपके पास कौन सी फ्रेग्रेंसेस है? अरेबिक भी आई कैन सी, अरेबिक भी है। अरेबिक में देखिए हमारे पास ऊद है, कम्बुदी है, ऊद का खुशबू जो देहलूद से कम्बुदी बनता है। हाँ जी। और वो वाला लकड़ी का ऊद है। अच्छा लकड़ी का? हाँ लकड़ी का, जो प्योर है, जिसका ऑयल आता है आपको वेरी You know, I think इसका पर्टिकुलर होगा कि जैसे मंदिर में जब आप जाते तो उनके पास वो वुड्स होती है जिनसे वो फायर स्टार्ट करते हैं। वेरी एक्सपेंसिव वुड है वो। राइट राइट, इट्स अ वेरी आई कैन एब्सोल्युटली यू नो हैव दिस फ्रेग्रेंस इन माय होम एंड यू नो इन माय पूजा वाला एरिया, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आप जो परफ्यूम्स है और यू नो ये इन चीजों को कैसे टेस्ट करते हैं, क्या मतलब एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस देखिए, जिसके इसका मॉलिक्यूल्स बनता है, इसका तीन नोट आता है, जैसे कि आप इनिशियली स्मेल करने में आपको खुशबू अलग से आएगी, तो इसके बाद आपको और एक खुशबू की स्मेल आएगी। उसके लिए हम लोग बोलते हैं टॉप नोट्स बोलते हैं। अच्छा। बेस हॉट नोट्स बोलते हैं, फिर बेस नोट्स बोलते हैं। ओके। तो इनिशियली आपको स्ट्रॉन्ग लगा तो बड़ी अच्छी खुशबू है, सेटल होने फिर से और एक खुशबू आएगी। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि वुडी फ्रेग्रेंस है, वुडी में बहुत सारे नोट्स मिक्स होते हैं, बहुत सारी ऊद आप कह रहे हो मिक्स होती है इसके अंदर अलग-अलग। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपको जिस ओकेशन में यूज करना, जैसे पार्टीज पे, जैसे कि आप जिम जा रहे हैं, जिम के लिए, जिम के लिए भी फ्रेग्रेंस है। क्या बात कर रहे हो? बिल शो जिम का दिखाओ। ये हम लोग स्पोर्ट्स के लिए बनाए थे, जिम के लिए। इसमें आपको ना कम्प्लीटली कॉफी पीने दीजिए, क्योंकि जब आप स्वेटी हो जाते हो एकदम, यू नो यू स्टार्ट स्मेलिंग, दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, और आप इसको लगा के एकदम वैसा महसूस करोगे कि यार मुझसे ज्यादा फ्रेश इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। So yes, this was all about fragrance हमारा है कि जिस नवरात्रि के दिन पे रात में लगाने की पार्टीज स्पेशल इसके लिए। भैया पूरा इंतजाम करके आए हैं यहाँ पे बेचने का नवरात्रि सीजन। फर्स्ट टाइम आया तो सही है। देखो ये मुझे बार बार कॉफी बीन्स जो है स्मेल कर आ रहा है ताकि मेरी फ्रेग्रेंस कैंसिल हो जाए और मैं दूसरी ढंग से मेकआउट कर पाऊँ। ये टोटली डिफरेंट है आपको। हाँ इसमें आपको थोड़ा पाइनएप्पल का फ्लेवर आएगा, राइट, फ्रूटी वाइब आएगा। हां बिल्कुल। सो आई थिंक आई एम इन लव विद दिस यू नो फ्रेग्रेंसेस। व्हाई? बिकॉज़ वन, दे आर वेरी फ्रेग्रेंट, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ फैक्ट। जब आप ये चीजें बाय करते हो तो यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू स्मेल गुड, तो वो फैक्टर है इसमें। और ये फ्रेग्रेंस कितनी देर तक लास्ट करती है? फ्रेग्रेंस आपको डिपेंड करता है, लाइक मिनिमम 8 टू 10 आवर्स आएगा आपको। और सनवुड के परफ्यूम से जो उसके खुशबू कपड़े धोने के बाद भी रहते हैं, सनवुड के अत्तर हैं। अच्छा ऊद के अंदर है? हां वो भी है, ऊद के परफ्यूम भी है जो आपको 1-2 दिन तक रहते हैं। 1-2 दिन तक भैया आपका परफ्यूम रहेगा तो मतलब ये स्टील डील है। एक बार आपने खरीदा, भले थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन उसके बाद ये है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव आ गया कि भैया आप इसको यूज करोगे तो भी आपके 2-3 दिन तक कपड़ों से फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी। सो व्हाट बेटर देन दैट। अच्छा भैया जी, आपने इतनी अच्छी मुझे कलेक्शन दिखाई है, मुझे रेट भी बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स जान लेंगे। स्टार्टिंग प्राइस 400 से हमारे पास स्टार्टिंग 400 से। कौन सा है 400 वाला? 400 का फ्रेग्रेंसेस है और 500 का परफ्यूम्स है। ये सब परफ्यूम 500 है आपका आएगा। दिस इज फ्रॉम ये 400 का आएगा। ये 400 का है, ठीक है ठीक है। ये 400 का है, दिस इज ऑल्सो 400, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये 500 का, सॉरी, और आपके पास दोनों जो है ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे परचेज करने के लिए। तो उनके पास बेसिक कितने से, और आपका सबसे महंगा परफ्यूम कहाँ पर जाता है?
रेंज में? ऊद में जाता है। ऊद में जाता है, क्या प्राइसिंग रहेगी उसकी? उसका आएगा आपको 25,000 आएगा, 25,000 तक आएगा। एक बार दिखा दीजिए, ये सब आपको आएगा 25,000 आएगा, वो ऊद हिंदी है। ये 25,000 का आएगा, why? Because this is ऊद, और ऊद आपको पता है बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाया जाता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो दिस इज 35,000। ये बस दो पीस ही है, दो पीस ही है, देखो कितनी जल्दी सोल्ड आउट हो चुका है। And you know, Dubai is really famous for its perfumes. So I think this is your best go-to deal. And you can check the stall out. You know, get all fragrant. And you know, jab garba aap karenge, and when people around you will feel your aura with this fragrance, they'll definitely want to buy this as well. So yes, come here and shop from this beautiful stall and be fragrant.